हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सेलेंट कोचिंग। लास्ट वीडियो में हमने शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट समझे थे, लेकिन कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो चार शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट हैं जो हमने पढ़े हैं लास्ट टाइम, उनसे हम ह्यूमन बिहेवियर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें हर जगह पर यही चार टाइप की रीइंफोर्समेंट दिखे। कहीं पे फिक्स्ड है, कहीं पे वेरिएबल है, कहीं पे फिक्स्ड रेशो है, कहीं पे वेरिएबल रेशो है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी तरह से हर बार रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्ड मिले। कई बार क्या होता है, हमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें भी हैंडल करनी पड़ती हैं। तो उस टाइप की सिचुएशन को इन्होंने नाम दे दिया कॉन्करेंट शेड्यूल। कॉन्करेंट मतलब जब एक साथ साइमल्टेनियसली आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं चूज़ करने के लिए। फिर आप किस बेस पे चूज़ करोगे, आप किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दोगे। एक तरफ आपके पास ऑप्शन है कि आपने पढ़ना है, अच्छे ग्रेड्स लाने हैं, उसी दिन आपके पास कहीं जाने के लिए ऑफ़र आया है, आपको कहीं इनवाइट किया गया है, उसी दिन आपको लगता है कि आपको एक फ्रेंड को कॉल करना है जो बहुत ज़रूरी है। तो अगर इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप कौन सी चीज़ आपको उस टाइम पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेगी, किस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे जिससे आपको अच्छा लगेगा। तो हमें बहुत सारे डेली लाइफ में ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है जब हमें खाली एक ही रिस्पांस नहीं, हमें बहुत सारे रिस्पॉन्स के बीच में से चूज़ करना पड़ता है कि हम क्या करें। तो उसको कॉन्करेंट शेड्यूल बोला गया। और इसमें ये बोलते हैं कि ईच डे पीपल आर फेस्ड विद ऑल्टरनेटिव्स एंड मस्ट चूज़ वन टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर्स। डेली हमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलते हैं, हमें चूज़ करना पड़ता है कि आज हमने क्या करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑन अ गिवन इवनिंग स्टूडेंट्स मस्ट चूज बिटवीन डूइंग होमवर्क एंड अदर बिहेवियर दे कुड डू इंस्टेड। तो कोई एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे सपोज फ्राइडे इवनिंग है, उस दिन एक स्टूडेंट को चूज़ करना पड़ता है कि वो अपना होमवर्क करे, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए, या फिर टेलीफोन पे बात करे अपने फ्रेंड से, या अपनी लॉन्ड्री जो कपड़े धोने वाले रखे हैं उसको फिनिश करे, या टीवी देखे। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं क्योंकि फ्राइडे नाइट है, पता है अगले दो दिन छुट्टी है। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से वो क्या चूज़ करेगा, उसको क्या उस टाइम पे ज़्यादा बेटर लगेगा करना, कि मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे ग्रेड ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे, या छुट्टी है तो मैं इंजॉय कर सकता हूँ, या फिर मेरे को बहुत सारे काम निपटाने हैं जैसे कि अपने कपड़े धोने हैं। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव्स में से हमें एक चूज़ करना पड़ता है। इस केस में हम क्या चूज़ करते हैं, तो ऐसा कॉन्करेंट शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, सिचुएशन इन विच अ पर्सन बिहेवियर इज फ्री टू ऑल्टरनेट कॉन्टिन्यूसली बिटवीन टू और मोर रिस्पॉन्सेज। तो फिर वो ऑल्टरनेटिवली करता है, एक दिन वो फिक्स कर देता है किसी एक चीज़ के लिए, दूसरा दिन फिर हम क्या करते हैं, जब इतने सारे काम आते हैं तो आप देखते हो डेली घर में काम होते हैं बहुत सारे, तो हम रोज सेम काम नहीं कर सकते, रोज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सारे काम करें। तो हम उसके दिन डिवाइड कर देते हैं, एक दिन हम सफाई करेंगे, एक दिन हम पढ़ाई करेंगे, फिर उसके पढ़ाई खैर रोज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन फिर भी हम उसमें भी डिवाइड कर देते हैं, एक दिन ये सब्जेक्ट करेंगे, एक दिन वो। तो वो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉन्करेंट शेड्यूल्स हैं, हम उसमें से चूज़ करना चाहते हैं, हम डेली सब कुछ नहीं कर सकते, और उन सबकी अपनी अपनी रीइंफोर्समेंट है। अब अगर आपको पता है कि ये सब्जेक्ट का चार दिन बाद रीइंफोर्समेंट है, मतलब एग्ज़ाम है, उसके बाद ग्रेड मिलेंगे, तो ये सब्जेक्ट मैं चार दिन बाद, तीन दिन बाद के लिए रख लेता हूँ, आज मैं वो पढ़ लेता हूँ जो ज़्यादा अर्जेंट है। ऐसे ही आपको काम के बीच में भी डिसाइड करना पड़ता है कि आज क्या चीज़ करनी ज़रूरी है, कल पे क्या टल सकता है। तो हम इस तरीके से अपनी ऑल्टरनेट कर लेते हैं अपने रिस्पॉन्सेज को, कि आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, जिससे हमारी दोनों चीज़ें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने जैसे एग्जाम्पल ये दिया है कि सपोज अ रैट इज़ फ्री टू प्रेस लीवर ए एंड लीवर बी एट एनी टाइम और टू प्रेस नीदर। तो अब एक रैट है, जैसे पहले स्टडी में हमने देखा कि वो एक बार लीवर प्रेस कर रहा है तो उसको खाना मिल रहा है, फिर उसके रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अगर वेरिएबल है तो वो दो बार करता है तब मिलता है, या फिर वो एक घंटे बाद उसको मिलता है। तो वो चार शेड्यूल्स थे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए। लेकिन अगर कॉन्करेंट है उसके पास ऑप्शन, कॉन्करेंट मतलब दो लीवर हैं, लीवर ए भी है, लीवर बी भी है, वो उन दोनों को कभी भी प्रेस कर सकता है, या वो दोनों को ना भी करे, उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब वो रैट क्या करेगा, द रैट में डिस्ट्रीब्यूट इज प्रेसेस बिटवीन द टू लीवर एज इट चूजेस। तो क्या करेगा, कभी लीवर ए दबाएगा, कभी लीवर बी दबाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि दोनों को दबाने से अलग अलग क्या होने वाला है,
किससे फूड मिलेगा किससे नहीं मिलेगा, क्या पता डबल फूड मिल जाए दोनों से. नाउ सपोज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिंग ईच लीवर. एग्जाम्पल, फूड रिवॉर्ड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू डिस्टिंक्ट वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट. अब सपोज उसने दोनों लीवर दबा के देखे, उसे पता चला कि अगर मैं 5 बार ये दबाऊंगा तो यहाँ से फूड आएगा, 5 बार ये दबाऊंगा तो यहाँ से फूड आएगा, फिर 5 बार ये वाला दबाऊंगा तो यहाँ से आएगा. ऐसे वो उसको पता चल गया कि दोनों के अलग अलग रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है. ये वाला लीवर है जब मैं सपोज अगर जैसे सब उसको टाइमिंग सेट है कि अगर 5 मिनट के बाद ये लीवर दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा, उसके 5 मिनट के बाद बी लीवर दबाऊंगा तो खाना मिलेगा, फिर से ए दबाऊंगा तो खाना मिलेगा. अब उसको ये चीज़ समझ आएगी धीरे धीरे कि इन दोनों के रीइंफोर्समेंट शेड्यूल फिक्स हैं. तो फिर वो क्या करेगा, द रैट विल डिस्ट्रीब्यूट इट्स बिहेवियर बिटवीन ऑल्टरनेटिव्स इन सच अ वे दैट मैक्सिमाइज द रीइंफोर्समेंट इज रिसीविंग. अब वो ये कोशिश करेगा कि मैं लीवर ए तब दबाऊं जब इसका रीइंफोर्समेंट मिलने वाले का टाइम हो जाएगा, और रीइंफोर्समेंट बी तब दबाऊं जब इसकी रीइंफोर्समेंट मिलने का टाइम हो जाएगा. उसको ये आइडिया धीरे धीरे लगेगा दोनों लीवर दबा के कि ए का रीइंफोर्समेंट मतलब ए दबाने से खाना मुझे तभी मिलेगा जब एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं इसको दबाऊंगा, और बी दबाने से खाना तब मिलेगा जब मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे बी को दबाऊंगा. तो दोनों चीज़ें उसको समझ आ जाएंगी तो वो उसी हिसाब से उस लीवर को प्रेस करेगा, यानी कि वो अपने रिस्पॉन्सेस को अपने रीइंफोर्समेंट के साथ मैच करके फिर अपने रिस्पॉन्सेस दिखाएगा. तो जिस रिस्पॉन्स से रीइंफोर्समेंट मिलेगी वो उस टाइम उसको चूज़ करेगा. अगर लीवर ए दबाने से उसको खाना मिलेगा उस टाइम पे तो वो लीवर ए दबाएगा, बी दबाने से खाना मिलेगा तो बी दबाएगा. वो दोनों में से चूज़ कर लेगा कि कौन सा दबाने से मुझे कब फ़ायदा है. जैसे हम करते हैं कि आज हमें क्या करने से फ़ायदा है, फिर कल हम क्या करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा. हम फायदे के हिसाब से, फ़ायदा क्या होता है, रीइंफोर्समेंट ही हो गया ना, हम फायदे के हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेज चूज़ करते हैं ना. आपको दो लोग बुला रहे हैं, दो फ्रेंड्स बुला रहे हैं, आप क्या सोच के किसके पास जाओगे, किसके पास जाने में ज़्यादा फ़ायदा है? तो रीइंफोर्समेंट देख रहे हो आप किसके पास जाने से फ़ायदा है, या फिर आपके पास दो सिचुएशन है, एक आप घर में बैठ के पढ़ लो, दूसरा पार्टी में चले जाओ. आप अगेन देखोगे कहाँ जाने से फ़ायदा है, घर में पढ़ने से आपका फ़ायदा होगा कि पार्टी में जाने से. तो आप क्या कर रहे हो उस टाइम पे, आप मैचिंग लॉ कर रहे हो, मैचिंग लॉ यूज़ कर रहे हो. आप मैच करके देख रहे हो कि आपका बेनिफिट किस में है, रीइंफोर्समेंट किस में ज़्यादा मिलेगी, कौन से रिस्पॉन्स से ज़्यादा रीइंफोर्समेंट मिलने वाली है. आप मैचिंग लॉ का यूज़ कर रहे हो, ठीक है. Although it is a relatively simple example of choice, the matching law can be extended to explain more complex form of behavior. अब researchers जो है ना वो इस law को use करके काफ़ी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं कि लोग किस तरीके से use करते अपने behave करते हैं. अगर as a researcher आप देखो matching law का आप use कैसे कर सकते हो. जैसे according to Hunstein, we don't usually choose between two alternatives, A or B. Instead, we choose between doing homework and all other available alternatives. तो ये कह रहे हैं कि हम हमेशा सिर्फ दो चीज़ों में से नहीं चूज़ कर रहे होते कि खाली दो ही ऑप्शन है ए और बी. हमारे पास ए के साथ ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बहुत चीज़ें होती हैं. आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कि आप होमवर्क करने के अलावा और क्या क्या कर सकते हो. तो आपको उन सब में से चूज़ करना होता है. This helps to explain why particular events are reinforcing at certain time but not others. तो अब उस बेस पे कोई पर्सन ऑप्शन कौन सा चूज़ कर रहा है उससे क्या पता चलता है कि उस टाइम पे उसके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उस टाइम पे उसके लिए होमवर्क उसको रीइंफोर्समेंट ज़्यादा दे रहा है कि किसी से बात करना रीइंफोर्समेंट ज़्यादा दे रहा है. अब हर बार हमारी रीइंफोर्समेंट बदलती है. हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि आज अगर जैसे मंडे को टेस्ट है और संडे इवनिंग की बात हो रही है तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा रीइंफोर्समेंट अगर देखी जाए तो होमवर्क करने से मिलेगी. लेकिन अगर फ्राइडे इवनिंग की बात हो रही है और होमवर्क जो है वो मंडे को देना है तो हो सकता है कि फ्राइडे को आपका किसी के साथ घूमने जाना भी रीइंफोर्समेंट दे सकता है. तो जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है हमारा रीइंफोर्समेंट चेंज होती रहती है. सो फॉर इंस्टेंस ऑन अ पर्टिकुलर फ्राइडे नाइट क्लीनिंग योर रूम मे नॉट सीम सो बैड इफ़ नथिंग एल्स इज़ गोइंग ऑन. तो अगर कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं है मतलब आपके पास और कोई काम नहीं है, आपने अपना पढ़ भी लिया,
आप हो घूम के आ गए, आपने बात कर ली, तब आप सोचो कि चलो अपना क्लीन कर लेता हूँ रूम, अब कुछ और तो है नहीं। तो उस टाइम पे आपके लिए रीइन्फोर्समेंट किस में दिखेगी? अपने रूम को क्लीन करने में। सो एप्लीकेशन ऑफ द मैचिंग लॉ टू ह्यूमन बिहेवियर इज सेवरल इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन। तो ये जो मैचिंग लॉ है ना, इसको अगर हम ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई करते हैं तो इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है। क्या चीज़ें पता चलती है? जैसे कि पहली चीज़, इट फोर्सेस बिहेवियर रिसर्चर टू व्यू बिहेवियर समवट डिफरेंटली एज वन रिस्पॉन्स चॉइस अमंग मैनी पोटेंशियल ऑल्टरनेटिव्स। तो जो बिहेवियर रिसर्चर्स होते हैं उनको ये चीज़ इससे पता चलती है कि कैसे ह्यूमन्स बहुत सारे ऑल्टरनेटिव के बीच में एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करते हैं, किस बेस पे चूज़ करते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, क्यों वो इस तरीके से इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से एक चीज़ को चूज़ करते हैं। तो वो हमारे बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इतने सारे चॉइसेस में से हम क्या चॉइस लेते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल एलोकेट रिस्पॉन्सेज इन एवरीडे लाइफ। तो लोगों को समझने में ज़्यादा हेल्प मिलती है इससे। दूसरी चीज़ क्या होती है? As we have already noted, research on matching law helps explain why certain reinforcers are attractive at certain time. दूसरी चीज़ ये पता चलती है कि क्यों हमें कुछ reinforcers कभी कभी बहुत attractive लगते हैं और कभी कभी कुछ और attractive लगता है, हमेशा क्यों नहीं एक reinforcer हमें attractive लगता। तो दूसरी चीज़ ये पता चलती है। तीसरी चीज़ क्या है? Recognizing that people evaluate reinforcement value against the context of all reinforcement. कि हम क्या करते हैं, ह्यूमंस हमेशा रीइन्फोर्समेंट को इवैल्यूएट करते हैं कंटेक्स्ट के बेस पे। जैसे मैंने बोला कि मंडे को टेस्ट है तो फ्राइडे इवनिंग और संडे इवनिंग दोनों के उसमें फ़र्क आ जाएगा कि आप संडे क्या करोगे और आप फ्राइडे क्या करोगे। तो आप हमेशा अपने रीइन्फोर्समेंट को इवैल्यूएट करते हो कि आज का दिन है तो आज क्या करना ज़रूरी है, कल है तो कल क्या ज़रूरी है, परसों, हमेशा कंटेक्स्ट के बेस पे। ठीक है, सो By increasing the relative attractiveness of desired responses, it may be possible to eliminate undesirable destructive behavior without the need for punishment. तो इन सब चीज़ों से बिहेवियर्स कहते हैं कि ये चीज़ हम मान सकते हैं कि मान लो अगर हम इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से किसी एक ऑल्टरनेटिव की reinforcement इतनी ज़्यादा बढ़ा दें, उसको इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दें कि बाकी चीज़ों के बारे में ना सोचे लोग, तो उससे हम उसका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं ना। सपोज़ कोई बच्चा है वो पढ़ाई नहीं करके बाकी और चीज़ों पे उसका ज़्यादा ध्यान जा रहा है, जैसे वो बातें कर रहा है, दोस्तों से बात करता है, खेलता है, तो उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं दूसरे ऑल्टरनेटिव। लेकिन हम उसकी पढ़ाई करने की रीइन्फोर्समेंट बढ़ा दें, उसको बोले कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें एक दिन हम वहाँ घुमाने ले जाएंगे, उस पढ़ाई की उसकी रीइन्फोर्समेंट आपने बढ़ा दी, अब उसको बाकी सारे ऑल्टरनेटिव उसके सामने छोटे लगने लग गए, तो वो उसका बिहेवियर जो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो उस दिन पढ़ाई करेगा बैठ के। तो ये कह रहे हैं कि जब हम बिहेवियर इस तरीके से स्टडी करते हैं मैचिंग लॉ के बेस पे, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें बिहेवियर के बारे में जान पाते हैं, जिससे हम ये कंक्लूड कर पाते हैं कि कैसे हम बिना पनिशमेंट दिए कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स कम कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स बढ़ा सकते हैं। फिर आता है स्टिमुलस कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। स्टिमुलस कंट्रोल में क्या होता है? यहाँ पे इन्होंने पहले आपको एक सिचुएशन दी है कि इमेजिन करो यू आर अ रैट, आप एक एक्सपेरिमेंटल चेंबर में हो, एक रैट हो। आपने काफ़ी दिनों से ये लर्निंग करी है कि जब आप एक लीवर दबाओगे तो आपको एक फूड पैलेट मिलेगा, खाना मिलेगा वो लीवर दबा के। ठीक है, लेकिन एक दिन सुबह क्या हुआ, आपने देखा कि लाइट आपके बॉक्स में जलने लग गई है, कभी बुझती है कभी जलती है, कभी बुझती है कभी जलती है, जैसे एक सिग्नल होता है। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि खाना तो लीवर दबा के मिल रहा था पर इस लाइट का क्या मतलब है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, आप लीवर दबा के देखोगे खाना आया कि नहीं आया। और आपने ये नोटिस किया कि जब लाइट ऑफ थी तब लीवर दबाने से खाना नहीं आया, जब लाइट ऑन थी तब लीवर दबाया तो खाना आया। अब इसका मतलब ये था कि सिर्फ लीवर दबाने से खाना नहीं आ रहा था, अब लाइट के ऊपर डिपेंड हो गया था। अगर लाइट ऑन रहेगी तो आप लीवर दबाओगे तो ही खाना आएगा, लाइट ऑफ रहेगी तो आप कितनी बार भी लीवर दबा लोगे खाना नहीं आएगा। तो अब जैसे आपको ये चीज़ पता चल गई कि लाइट के ऊपर डिपेंड हो गया है आप, तो इसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस, कि लाइट क्या हो गया, आपका डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस हो गया। ठीक है,
और जो लिवर प्रेसिंग बिहेवियर था आपका, वो किसके कंट्रोल में आ गया? डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुलस के कंट्रोल में आ गया, कि लिवर तब दबाओगे जब लाइट ऑन होगी, जब ऑफ होगी तब नहीं दबाओगे. तो योर लिवर प्रेसिंग बिहेवियर हैज कम अंडर द स्टिमुलस कंट्रोल ऑफ द लाइट. तो इस तरीके से स्टिमुलस कंट्रोल ऑफ बिहेवियर होता है. अब ये कह रहे हैं इसका यूज़ हमारे एक्चुअल लाइफ में क्या है. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टिमुलस कंट्रोल हैज़ इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन फॉर पीपल. फॉर एग्जांपल, छोटे बच्चों को पॉइजनस चीज़ों से दूर रखने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको पता है घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं चाहते कि छोटे बच्चे छुएं, लेकिन उनको बच्चों को तो नहीं पढ़ के पता चलेगा कि वो डेंजरस है. उनको नहीं पता क्या चीज़ ठीक है क्या नहीं है, और वो कोशिश करेंगे कि जब सामने पेरेंट नहीं है तो वो कोई ना कोई चीज़ को क्यूरियस होते हैं, क्योंकि वो बहुत, तो वो हर चीज़ को खोल के देखने की, क्योंकि उनको पता है इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ पाएंगे वो कि क्या चीज़ डेंजरस है. तो उसको जब कोई घर पे नहीं है, आप कैसे बताओगे बच्चों को कि क्या चीज़ नहीं यूज़ करनी? तो उस केस में इन्होंने स्टिमुलस कंट्रोल टेक्निक का यूज़ किया. कैसे किया? एक स्टिकर आते हैं, मिस्टर यूक स्टिकर, मैं आपको दिखा देती हूँ. इस तरीके से ये स्टिकर होते हैं, मिस्टर यूक स्टिकर बोलते हैं इनको. इनका यूज़ करा गया स्टिमुलस कंट्रोल टेक्निक में, बच्चों को पॉइजनस चीज़ों से दूर रखने के लिए. पेरेंट्स ने क्या किया, जितनी भी चीज़ें ऐसी थी घर में जो कि पॉइजनस थी या बच्चों को हाथ नहीं लगानी थी, जो डेंजरस चीज़ें थी, उस पर ये स्टिकर लगा दिए. अब जब भी बच्चा उस चीज़ को छुएगा जिस पर वो स्टिकर लगाया, उसको डांट पड़ेगी. इससे क्या होगा, उसको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं ये स्टिकर वाली चीज़ को छेड़ूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि ये मिस्टर यूक स्टिकर का मतलब है डोंट टच, कि मुझे टच नहीं करना है. तो स्टिमुलस कंट्रोल हो रहा है, वो स्टिकर को देख के उसके अंदर कंडीशनिंग हो रही है कि मुझे ये चीज़ नहीं छूनी है. और अगर किसी दिन वो उसको छू देता है जिस पे स्टिकर लगा है, उसको डांट पड़ती है. तो इस तरीके से आप उसका बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हो. तो ये स्टिमुलस कंट्रोल था. अब आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.